हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉग्स डॉली नमन में। गाइस, आज की ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि जो लोग जर्मन शेफर्ड डॉग पेट पालने में इंटरेस्टेड है, रखने में इंटरेस्टेड हैं, और स्पेशली जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है सर कि फुल लॉन्ग कोट का डॉग अवेलेबल करवाएँ और थोड़ा सा डॉग बड़ा हो एज के अंदर, तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए आप ही की रिक्वायरमेंट पर बहुत ही सुंदर, बिल्कुल प्योर ओरिजिनल लॉन्ग कोट, जिसको कहते हैं ओरिजिनल लॉन्ग कोट सेमी डेल के अंदर, मैं आपके लिए डॉग लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप जो डॉग देख पा रहे हो, ये जर्मन शेफर्ड का 8.5 मंथ का, 8.5 महीने का लॉन्ग कोट का, फुल लॉन्ग कोट का मेल डॉग है, मेल पपी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी ऑलवेज रिक्वायरमेंट रहती है, आप इस डॉग को देखिए, इस डॉग प्रॉपर स्टैगिंग पोजिशन में खड़ा है, सीधी लंबी टेल जो कि बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई है, बिल्कुल हैवी टेल, और डॉग की आप पोजिशन देखिए, डॉग का एटीट्यूड देखिए, स्टैग पोजिशन में डॉग अब ऑटोमेटिकली खड़ा है। ज़बरदस्त क्वालिटी का डॉग है, असली लॉन्ग कोट का डॉग है फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को आज डॉग डॉली नमन फार्म पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। हैवी बोन के अंदर है फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी एज की बात करूँ तो 8.5 महीने की एज के अंदर इसकी जो हाइट है, अभी इसकी हाइट 20 इंचेस पहुँच चुकी है, 20 इंचेस इस हाइट गेन कर चुका है, और अभी इसकी ग्रोथ का टाइम है, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, 90 डिग्री एंगल के अंदर छोटे कान, बिल्कुल शॉर्ट ईयर इसके छोटे कान, परफेक्ट इसका फेस साइज़, आप अगर आप फेस की बात करो, जर्मन शेफर्ड का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जर्मन शेफर्ड कितना सुंदर दिखता है। तो कुछ मूव्स भी मैं आपको इसके दिखाता हूँ, तो देखिए गाइस, परफेक्ट मूव्स हैं डॉग के, किस तरह से स्टेप डॉग रख रहा है, सीधी लंबी हैवी फ्लपी टेल, इतनी ज़्यादा बालों से घिरी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड प्योर फुली हेयर जर्मन शेफर्ड। ये एकदम ओरिजिनल हेयर जर्मन शेफर्ड है। कुछ लोगों को डाउट्स रहता है फ्रेंड्स कि लॉन्ग कोट के बाल कितने लंबे होने चाहिए या लॉन्ग कोट दिखता कैसा है, तो फ्रेंड्स आप जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हो, ब्लैक 10 कलर के अंदर बिल्कुल फुल लॉन्ग कोट के अंदर ये डॉग आपको लोगों के लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स, विद पेपर अवेलेबल है, विद KCI पेपर आपको ये डॉग दिया जाएगा फ्रेंड्स। और जो लोग ब्रीडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर चाहते हैं कि अपना काम शुरू करना चाहते हैं, या फिर जो लोग छोटे बच्चों को थोड़ा केयर नहीं कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा डॉग मिले, वो बिल्कुल अवेलेबल है। कूल टेम्परामेंट का डॉग है फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे भी हैं तो उनको इससे कोई हार्म नहीं होगा। आप जब भी डॉग परचेज करने आओगे, डॉग लेने आओगे, तो आप इसको लीज़ में लेकर, इस लीज़ को पकड़कर खुद घुमा सकते हो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, एक छोटे से बच्चे ने इस डॉग को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और बड़ा कंफर्टेबली उसके साथ ये खड़ा हुआ है। तो गाइस, कोई ऐसी घबराने वाली बात भी नहीं है, और 8.5 मंथ का ये डॉग है, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल डॉग डॉली नमन फार्म पर अवेलेबल है। आप इस डॉग का एटीट्यूड देखिए, ये देखिए मूव्स इसके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स का एंगुलेशन, फुली एंगुलेशन डॉग है देखियो। सो गाइस, आप लोगों के लिए बिल्कुल, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर मैं ये डॉग लेकर आया हूँ। सो जो फ्रेंड्स या डॉग कॉलर्स की कॉल्स पहले होगी, उन्हें ये डॉग दिया जाएगा। सो गाइस, हरी अप जल्दी कीजिए, अगर आप एक अच्छा जर्मन शेफर्ड, फुल लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड सर्च कर रहे हो सेमी डेल के अंदर, कि हाँ थोड़ा सा बड़ा डॉग मिले, विद पेपर मिले, विद माइक्रोचिप हो, तो अवेलेबल है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, फुली हैवी टेल, फ्लपी टेल अवेलेबल है फ्रेंड्स। सो यू कैन कॉल मी, और अगर आप व्हाट्सअप करना चाहें तो उसका भी नंबर मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल करके आप इसकी इंक्वायरी ले सकते हो। और बिल्कुल रेडी टू मूव है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर का है, बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है इस, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि बड़ा डॉग है, ऐसी कोई अगर आपके मन माइंड में डाउट है बड़ा डॉग है एडजस्ट कैसे होगा, नहीं, हमारे फार्म पर जितने भी डॉग आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के होते हैं वो। आगे उसको गार्डिंग गार्ड बनाना है या उसको फैमिली नेचर का बनाना, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे यहाँ से जो भी डॉग आपको मिलेंगे वो फैमिली नेचर के मिलेंगे, ताकि आगे जाके आपको उसके रख रखाव में, उसको रखने में, उसकी केयर करिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। सो गाइज, हरी अप जल्दी कीजिए, और बिल्कुल आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और मुझे कॉल कीजिए, जिसका नंबर मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जितने भी कॉलर्स नए हैं मेरे इस चैनल के ऊपर, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर पुश करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डॉग्स ऑल इन वन। थैंक यू सो मच गाइस।